जरा सोचिए, आपके पास 2 मंजिला का बेहद आलीशान घर हो, लेकिन रातों रात वो घर आपसे छिन जाए और आप सड़क पे आ जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले दुर्गा प्रताप सिंह चौहान के साथ। इनके पास आलीशान घर था, सब कुछ था, लेकिन आज पिछले 13 दिनों से इस ट्रक में उनका गुजारा हो रहा है। पड़ोस में खुदाई के चलते उनके पूरे घर में दरारें आ गई हैं। जी, मेरा नाम दुर्गा प्रताप सिंह चौहान है। मुझे पूरी शुरुआत से बताएं कि एग्जैक्टली मामला हुआ क्या था और कब की बात है ये, जब से आप लोग सड़क पे रह रहे हैं। जी, ये दो मामला 1 तारीख की रात का है, जब इन लोगों ने बेसमेंट खोदना चालू किया। कौन बेसमेंट खोद रहा था? कोई जिस जमीन का मालिक सानू रस्तोगी करके है, और इन्होंने कोई दूसरा कोई बिल्डर था मालूम, दीपू सिंह करके नाम था उसका, उसने बेसमेंट उसको खोदा है और 1 तारीख से उसने खोदना चालू किया बुकलैंड से, और 2 तारीख को खोदते खोदते मतलब कि रात में ही इन्होंने खुदाई की है और इतना ज़्यादा गहरा खोद दिया है कि घर की नींव खुल गई है। और मेरे को 2 तारीख को रात को पता चला, जबकि मैंने उसको बोल रखा था कि इससे ज़्यादा मत खोदना, लेकिन उसने हद से ज़्यादा खोद दिया, और 2 तारीख की रात को पता चला कि मेरे घर का बुनियाद खुल गई है, क्रैक आ गए हैं। फिर रात को मैं देखने गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि पूरा बुनियाद इन्होंने खोल दी है और ये पूरा दीवार तक का क्रैक आ गया है, मेरी बाउंड्री गिर गई, और मेरे घर पे जो क्रैक आया हुआ है आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं, कोई नॉर्मल क्रैक नहीं है, और ये क्रैक डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं और ये जैक जो उसमें लगाए हैं इन लोगों ने अपनी तरफ से, वो जैक भी धीरे डे बाय डे खुलते जा रहे हैं, बस एक प्रकार का मौत का खतरा बना हुआ है कि जैक कोई खुल के गिरे किसी हमारे किसी घर परिवार में तो ऑन द स्पॉट बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और मैंने एलडीए वाले भी लोग आए हुए होते उस वक्त, लेकिन एलडी वाले कोई खास हमें उस प्रकार का नहीं दे रहे आश्वासन दे रहे हैं। अधिकारी आए हैं अब तक यहाँ पे आपका हाल ले रहे हैं और किन्होंने आश्वासन दिया आपको? एलडी वाले बस ऐसे लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं सुन रहे हैं, सब उसी की तरफ का एक प्रकार का बातें कर रहे हैं, मुझको कमी निकाल रहे हैं और मेरे में ही कुछ गलत बता रहे हैं। मेरा नाम यशोदा है और मेरा ये बेटा है, 1.5 साल का है, अभी बहुत छोटा है, इसको लेके हम लोग कम से कम 13 दिन से बाहर रह रहे हैं। इसको इतने सारे मच्छर काटे, इधर उधर भागता है धूल मिट्टी में, हम लोग इतने बड़े घर में रहते हैं लेकिन आजकल देखिए हम लोग कैसे रह रहे हैं। आप स्थिति देखिए हमारी, हम लोग पानी नल का पानी पी रहे हैं, हमारे घर में बल्कि फिल्टर लगा हुआ है, फिर भी हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ऊपर जो राशन रखा था वही ला के जैसे तैसे करके, अब एक एक चीज़ तो नहीं खरीद सकते ना, तो हम लोग वही ला के वही खा रहे, ऐसे हमारा गुजारा हो रहा है। और एक दिन वो खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अभी ना हमारा कोई रोजगार है, सब ठप पड़ा हुआ है। मेरी ननद की 10 मई को शादी है, उनको अभी फिलहाल हम लोग बड़ी दीदी के यहाँ रखे हुए हैं, ऐसे खुले में कैसे रखते हैं? वो फिर कलर का कोई नहीं सुनता, ना अधिकारी सुनते, कोई नहीं सुनता, ना पुलिस वाले सुनते हैं। 13 दिनों से सड़क पर गुजारा कर रहे इस परिवार की लखनऊ के किसी भी बड़े अधिकारी या मंत्री ने सुध नहीं ली है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज 18।